मसला तब दिल्ली ये जरूर सुनेगी। अगर हमारे अगर आप लखनऊ पे दबाव बनाएंगे तो दिल्ली आपकी जरूर आप सुनेगी। हाँ सुनेगी क्यों? ये जो पुलिस वाले हैं अगर एक भाई को ये अपराध कर देता है तो दूसरे वाले को थाने में बैठा ले। तो भाई भारत सरकार अगर नहीं सुन रही तो भाई उत्तर प्रदेश को कहेंगे हम, ये हमारी बात रखेंगे वहां तक दिल्ली तक। ओके, हमारे लोगों आते जाते को दिल्ली में मत रोक के जी। हाँ यानी आप लखनऊ सीज करके उत्तर प्रदेश की सरकार को चुनाव के समय कुछ परेशान करने की नियत रखते हैं आप? ना परेशान कहाँ कर रहे हैं, अभी तो चुनाव तो 7 महीने बाद में। हम तो यहाँ पे पंचायत करेंगे, अपनी मीटिंग करेंगे यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज मंडल वाइज, और उसमें गन्ने का भुगतान का एक बड़ा इशू उत्तर प्रदेश का है। यहाँ के आलू के किसान की समस्या यहाँ पे है, यहाँ पे MSP पे खरीद नहीं होती। कागजों में बहुत खरीद होती है लेकिन वैसा खरीद नहीं होती जी, वो एक बड़ा सवाल है। यहाँ पे बिजली के रेट भी पूरे देश में सबसे महंगे उत्तर प्रदेश में है। ऐसा तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश में जो गेहूं पैदा करते हैं वो हमारा 3,000 रुपये क्विंटल बिक रहा है उस पे उत्तर प्रदेश। बीजेपी के नेताओं का भी आपने स्टेटमेंट सुना थोड़ी देर पहले, वो कह रहे हैं कि अगर राकेश टिकैत यहाँ प्रदर्शन करने या लखनऊ सीज करने आते हैं तो ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ फलाने की सरकार है और वो आपको सलाखों के पीछे भेज देंगे। और भेज दो, हम क्या मैंने कर रहे हैं? हम तो अब उत्तर प्रदेश की जमीन में बैठे हुए हैं, भेज दो भाई। पुलिस प्रशासन का तो काम है सरकारों का कि सलाखों के पीछे भेजना, सलाखों के पीछे जब इनकी मनसा आएगी हमारे से रुक जाएंगे ये।